नमस्ते विद्या, मैसेल्फ जेवीएन डॉक्टर प्रिया कैपिल्लई, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर. टुडे आई एम गोइंग टू डील ऑन द टॉपिक ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधान कर्म ऑफ विरेजन. सम्यक लक्षण ऑफ विरेजन: श्रोतो विशुद्धेन्द्रिय संप्रसादो लघुत्वम ऊर्जेरग्नेरनामयत्वम प्राप्तिश्च विट्टित्त कफानिलान सम्यक विरिक्तस्य भवेद क्रमेण. रेफरेंस चरक सिद्धि फर्स्ट चैप्टर 17 श्लोक. हियर चरकाचार्य टोल्ड सम्यक लक्षण ऑफ विरेजन आज फॉलोस: श्रोतो विशुद्धि दैट इज क्लैरिटी ऑफ द श्रोतस, इंद्रिय प्रसाद दैट इज क्लैरिटी ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन, लघुद लाइटनेस ऑफ द बॉडी, अग्नि दीप्ति दैट इज इंक्रीज ऑफ द डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, अनामयत्व दैट इज रेमिशन फ्रॉम डिसऑर्डर, क्रमात् विट पित्त कफ एंड वाद निस्सरण दैट इज एक्सपल्शन ऑफ स्टूल्स पित्त कफ एंड वायु इन ऑर्डर, वादानुलोमन दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वात, एब्सेंस ऑफ अयोग अधियोग लक्षण दैट इज एब्सेंस ऑफ इनएडिक्वेट एंड एक्सेसिव फीचर ऑफ विरेजन. इन अयोग लक्षण इट इज टोल्ड दैट स्यात् श्लेष्म पित्त अनिल संप्रकोप साधस्तदा अग्नेर गुरुदा प्रदिश्याय तंत्रा तदा चर्देर अरोजकस्य वादानुलोम्य नाच दुर्विरिक्ते. रेफरेंस चरक सिद्धि फर्स्ट चैप्टर 19 श्लोक. इट इज टोल्ड दैट हियर देयर विल बी कफ प्रकोप दैट इज विशेषण ऑफ कफ, पित्त प्रकोप विशेषण ऑफ पित्त, वाद प्रकोप दैट इज विशेषण ऑफ वाद, अग्निमांद्य दैट इज डिक्रीज इन द डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, गौरव दैट इज हेवीनेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, प्रदिशाय दैट इज रनिंग नोज, तंद्र दैट इज ड्राउसिनेस, छर्दी दैट इज वोमिटिंग, अरुचि लैक ऑफ टेस्ट, वाद प्रतिलोमत दैट इज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वाद, ऑल्सो देयर विल बी दाह दैट इज बर्निंग सेंसेशन, हृदय अशुद्धि दैट इज डिस्कंफर्ट इन द चेस्ट रीजियन, कुक्षि अशुद्धि दैट इज डिस्कंफर्ट इन द अब्डोमेन, कंडु दैट इज इचिंग, वित् संग दैट इज कॉन्स्टिपेशन, मूत्र संग दैट इज रिटेंशन ऑफ यूरिन, पीडग दैट इज स्किन इरप्शन. इट इज टोल्ड बाय आचार्य सुश्रुत एज वेल एज अष्टांग हृदय सुप्ति अंगमर्द क्लम वेपनाद्य निद्राबलाभाव तम प्रवेश सोम सोन्मादहिकाश्च विरेजिते अति. That is reference charaka siddhi first chapter 29 sloka. Charaka charya told there will be kaphakshaya that is depletion of kapha dosha, pitta kshaya that is depletion of pitta dosha, vada kshaya that is depletion of vada dosha, supti that is numbness, angamarda that is body ache, klama that is tiredness, vepathu that is tremors, nidra abhava that is Nidra that is feeling of sleep, Daurbalya that is debility, Tama Pravesha that is darkness in the front of eyes, Unmada that is obsession, Hikka that is hiccup. Also Susruta Acharya and Bhagavata told other symptoms like Murcha that is loss of consciousness, Guda Bhramsha that is prolapse of rectum, Shula that is pain abdomen, Mamsa Dhavanavat Udaga Srava that is expulsion of stools as reddish water, or that when we wash the mamsa, the color which we obtain, that color will be there for the stools, Trishna that is thirst, Brahma that is greediness, and Netra Praveshanam indrawing of eyeballs. Virejana Vyabat and Chigalsa is same as that of Vamana, that is Vamana Vyavat and its Chigalsa. Ayoga Virejana Chigalsa, it is after proper Snehana Astabana should be given, and also we can give for Ayoga Tikshna Virejana. Next is Adiyoga Virejana Chigalsa. We can do for Adiyoga Stambana Chigalsa, so it will block the expulsion of stools. Vangasena told പാന ലേപന സേചന വിത് പത്മക ഉഷീര നാഗ
एंड चंदन नाग मतलब नाग केसर. नेक्स्ट इज लेबा प्रिपेयर्ड ऑफ सवीरक पिष्ट एंड आम्रत्व कल्का टू बी अप्लाइड ओवर नाभि प्रदेश. नेक्स्ट इज शाल्मरी मूल कल्का विद मस्तो फॉर पान. नेक्स्ट इज अंजन चंदन उशीर आम्र मज्ज लाज फॉर पान पर्पस. नेक्स्ट इज दही अलोंग विद आरनाल धात्रि चूर्ण सत्तु आज लेबर कैन बी डन क्योर संताप अरुचि एंड कृष्ण. शारंगधर टोल्ड दैट शीत जल परिषेक कैन बी डन तंडुलांबू अलोंग विद मधु कैन बी गिवन. मृदु वमन कैन बी डन अकॉर्डिंग टू गुडार्थ दीपिक. सहचर कल्क सौवीरक पृष्ठनाभि प्रदेश लेपन. नेक्स्ट इज अज क्षीरपान. नेक्स्ट इज मांस रस ऑफ उष्ट्र एंड हरिण कैन बी टेकन शीते संग्रहणे कृते. दैट इज एनी द्रव्य विच पोसेस द शीत एंड संग्रहण प्रॉपर्टी कैन बी गिवन फॉर द अधियोग चिकित्सा. थैंक यू. Assignment is write adiyoga of virejana with its chikitsa. Number of varieties of virejanika sneha pravicharas. Option 1 60, second is 63, third option 24 and fourth option is 42. It is asked for Trivandrum examination the year 1991. I hope you all understand my class taken on this topic, and if you are having any queries, please do mention on the comment box. I will try to resolve it. Thank you.